हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। ये सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होगा, पहले हमने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल सीखा, अब हम मूविंग आयरन के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मूविंग आयरन जो होता है वो आपका रिलक्टेंस मोटर के ऊपर वर्क करता है, मतलब कि रिलक्टेंस मोटर का जो प्रिंसिपल है उसी पे आपका मूविंग आयरन वर्क करता है। तो रिलक्टेंस मोटर के बारे में आपने थोड़ा सा कुछ जानते होंगे कि रिलक्टेंस मोटर आखिर क्या है। देखो, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा लीस्ट रिलक्टेंस पाथ से फ्लो करने की कोशिश करता है, ठीक है। जितना कम रिलक्टेंस होगा मैग्नेटिक पाथ में, उसी पाथ को आपका मैग्नेटिक फील्ड फॉलो करता है। तो रिलक्टेंस मोटर में क्या होता है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लो रिलक्टेंस पाथ देखता है तो उस तरफ आपका मोटर अलाइन होने की कोशिश करता है, तो उसी तरह आपका मोटर रोटेट करता है। तो इवेंचुअली जहां पे भी परमेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस जहां कम होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा और आपका मोटर उसी तरह डायरेक्शन में आपका रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये आपका रिलक्टेंस मोटर का प्रिंसिपल था, उसी प्रिंसिपल पे आपका मूविंग आयरन भी वर्क करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या जाना कि मूविंग आयरन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर। नाउ अब क्या बोलते हैं, अब देखो, आपने पिछला जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला, उसमें आपने कॉइल को मूव करवाया था। कॉइल कौन सा था? कॉपर कॉइल था और वो अल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर प्लेस्ड था और हम उसको परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था, करंट कैरिंग कंडक्टर जब परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो फोर्स डेवलप कर रहा था, जो कि हम लॉरेंट्ज़ फोर्स, और जिससे हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल रहा था, राइट। पर यहां पे क्या होगा, आपका कॉइल नहीं होगा, यहां पे आपका, जैसा कि नाम है मूविंग आयरन, मतलब कि क्या, कॉइल की जगह यहां पे हम आयरन को प्लेस करेंगे, ठीक है। एक छोटे से आयरन के पीस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो पहला चीज रिलक्टेंस मोटर पे के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, दूसरा चीज यहां पे मूविंग कॉइल नहीं होगा, यहां पे मूविंग आयरन होगा, ठीक है, एकदम स्मॉल पीस ऑफ आयरन होगा। नेक्स्ट थिंग, यहां पे परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा। परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा इसका मतलब कि क्या, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, मतलब कि हम सोलेनॉइड यूज करते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है कि आपका एक आयरन पीस होता है, उसके ऊपर हम कॉपर वायर्स को वाउंड करके करंट पास करवाते हैं, तो उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, राइट। तो वो हो गया। नेक्स्ट, अब आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला चीज हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ अब यहां पे आपका जो मूविंग आयरन होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे कि यहां पे मैं बनाया हूं, ये एक हो गया मूविंग आयरन, यहां पे दो मूविंग आयरन है, ठीक है। तो आपका मूविंग कॉइल की जगह हम मूविंग आयरन यूज कर रहे हैं और यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। यहां पे होता क्या है कि देखो, आयरन जो की चीज है वो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब कि ये कि कभी भी इस आयरन को मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखता हूं तो ये आयरन जैसा मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी आप मैग्नेट्स के बीच में पास आयरन को लेके जाओगे तो वहां पे आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलता है। क्यों अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलता है, क्योंकि आयरन क्या करता है, सेम या अपोजिट पोलैरिटी डेवलप कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। तो अगर आप उसके आयरन को मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखते हो तो आपको आयरन में भी सेम पोलैरिटी डेवलप होते दिखता है जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, और उसी कारण आपको आयरन में अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलता है, राइट। तो यहां पे करंट को फ्लो करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम आयरन को यूज कर रहे थे तो उसी कारण आपका अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिल गया, राइट। तो अब मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूं। अब देखो, जैसे कि नाम है, जैसे हमने देखा कि आयरन या तो अट्रैक्ट होता है या तो रिपल होता है, ठीक है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आपके क्लोज आता है आयरन तो वो अट्रैक्ट होता है या तो रिपल होता है। तो उसी तरह मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक होता है अट्रैक्शन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, राइट। जिसमें से देखा जाए तो रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आपका ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वो चीपर होता है, राइट, ये ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो अब दोनों के प्रिंसिपल, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल को मैं देखता हूं। वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस है, रिलक्टेंस मोटर के ऊपर बेस है। देखो, ये जो ओवल शेप का दिख रहा है आपको, ये ओवल शेप का आपका स्मॉल आयरन पीस है, ये आपको मिल आयरन पीस, स्मॉल आयरन पीस है,
और ये आपका सॉफ्ट आयरन से बना होता है। सॉफ्ट आयरन से क्यों बनता है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी कम होती है, परमेबिलिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब कि क्या, वो लो रिलक्टेंस ऑफर करता है। जिसकी भी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो लो रिलक्टेंस ऑफर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड सारा आपका इससे थ्रू होते हुए निकलता है। तो यहां पर मिलता हूं मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये हो गया आपका आयरन पीस। ये देखो, ये किसकी तरह दिख रहा है मुझे, ये तो हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, ये भी वही है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दोनों एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है। अब देखो, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग था, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के अक्रॉस था। तो उसमें खुद का जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो हम कब क्या यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग यूज कर रहे थे वहां पे। पर यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं और करंट पास करवाएंगे इस सोलेनोइड से, तब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होने के कारण हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि सर, लिक्विड जो हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग देखे थे वो क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपका भले इफेक्टिव तो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से, पर उसमें आपका मेंटेनेंस आ जाता है, इसलिए हमको ज्यादातर हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को अवॉइड करते हैं, राइट? तो इसलिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहां पे यूज की जा रही है। ठीक है, ये हो गया सॉफ्ट आयरन, हो गया एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, हो गया। और ये देखो स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग्स किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, ये आपको पता है। यहां पे भी मैंने एक स्प्रिंग दिखा दिया, स्प्रिंग जो कि फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, राइट? तो यहां पे हमने ये समझ लिया कि मूविंग आयरन में दोनों केसेस में, चाहे वो अट्रैक्शन टाइप हो या रिपल्शन टाइप हो, आपका स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, और डैम्पिंग टॉर्क के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है दोनों में। ठीक है, अब ये आयरन पीस हो गया। अब ये आपका है सोलेनॉइड, ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मैंने क्या बोला कि एक आयरन पीस के ऊपर, ये आयरन पीस लिया मैंने, इसके ऊपर एक कंडक्टर्स को, कॉपर वायर्स को वाउंड किया, तो इसमें से करंट जब पास होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, राइट? ये चीज। और ये देखो यहां पे मैंने वाइंडिंग्स का वो दिखाया, स्लॉट्स दिखा दिए, यहां पे वाइंडिंग्स का स्लॉट्स दिखा दिए, राइट? ये हो गया। अब आपका ये स्पिंडल है, आपको पता है स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल है, फिर ये पॉइंटर है, ठीक है, ये स्केल है। स्केल कैसा है? नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, नॉन लीनियर और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन लीनियर और नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो स्केल को। मतलब कि क्या, शुरुआत में देखो क्रैम्ड रहेगा और उसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्रैम्ड पहले पास पास रहेंगे वैल्यूज, मतलब कि कैसे, ये अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 25 होगा, ये 50 होगा, ऐसे ऐसे ये वैल्यूज नॉन लीनियर टाइप के अरेंजमेंट में रहेंगे, डिविजन भी नॉन लीनियर रहेगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जीबल बेयरिंग्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पिवट हो जाएगा, राइट? तो मैंने सबका नेमिंग कर दिया, ये आपका सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया। तो अब मैं यहां पे नेमिंग तो कर चुका हूं, अब मैं कंस्ट्रक्शन जब जान गया हूं तो मैं इसके वर्किंग को देख सकता हूं। आप देखो तो क्या होगा, यहां पे मैंने पहले एसी सप्लाई दिया है, चलो ठीक है, यहां पे इंटरेस्टिंग होगा चीज, क्योंकि आपका मूविंग कॉइल जो था, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, वो आपका एसी पे वर्क नहीं कर रहा था। क्यों वर्क नहीं कर रहा था? क्योंकि एसी में उसका पॉइंटर जो था 0 पोजीशन में वाइब्रेट करता था। क्यों वाइब्रेट करता था? इसलिए वाइब्रेट करता था क्योंकि आपका परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो फिक्स था, और जब आपका मूविंग कॉइल में जो आपका टॉर्क जो डेवलप हो रहा था वो यूनिडायरेक्शनल नहीं था, मतलब कि तुरंत आपका टॉर्क पहले चेंज होता था फिर उसका पॉइंटर ऐसे होता था। मतलब कि क्या, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो परमानेंट मैग्नेट का, अगर ये परमानेंट मैग्नेट है तो कॉइल जो था उसमें करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होने के कारण जो आपका टॉर्क था वो बार बार चेंज हो रहा था, इसलिए आपका पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा था, राइट? ये आपको पता है, अच्छे से मैंने डिटेलिंग में उसमें समझाया था। पर यहां पे देखते हैं कि क्या ये एसी पे वर्क करेगा, तो हाँ ये एसी पे वर्क करेगा, पर कैसे वर्क कर रहा है? एसी सप्लाई में अगर मैं देख रहा हूं तो ये देखो, ये इसका एक एसी सप्लाई हो गया,
ठीक है, यहां से मैंने एसी सप्लाई दिया, वीएस एक एसी सप्लाई दिया, यहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां पे करंट आगे निकल गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये करंट यहां पे फ्लो हुआ और ये आपका सोलेनॉइड है, यहां पे कॉपर वायर से वाउंड है ये सब, तो ये क्या होगा आपका नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप करेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सपोज करो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, करेक्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलना चालू करेगा, ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलना चालू करेगा आपका, नॉर्थ पोल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बस बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, यहां से निकलना चालू करेगा, यहां पे एंड करेगा, करेक्ट। अब पर यहां पे आपका एयर है, यहां पे आपका सॉफ्ट आयरन है जिसका परमिबिलिटी ज्यादा है, रिलक्टेंस कम है, इसका मतलब कि क्या, सारे मैग्नेटिक फील्ड आपके इसमें से पास हो जाएंगे, इसके पास से जाएंगे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड सब निकलते हुए जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये आपको लो रिएक्टेंस पाथ फॉलो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की तरह ही होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल में हम लोग करंट जो होता है लो रेसिस्टेंस पाथ से जाता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपका लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होते हुए निकल गया। अब देखो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, कहां पे, यहां पे बनाता हूं मैं, सपोज करो ये आपका क्या है, एक मैग्नेट है, ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, साउथ में एंटर किया, फिर नॉर्थ साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर ये एंटर किया, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जा रहा है। देखो तो ये क्या केस का था आपका, आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब कि आउटसाइड द मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां से आता है और वापस आपका साउथ टू नॉर्थ फ्लो होता है, और ऐसे करके वो क्लोज्ड पाथ को अपना मेंटेन करता है। मतलब कि क्या, आउटसाइड द मैग्नेटिक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से मैं देख रहा हूं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सपोज किया मैंने करंट ऐसा एंटर किया, तो यहां पे आपका सपोज करो ये क्रॉस हो गया कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में, और ये डॉट हो गया, ठीक है, करंट यहां से एंटर करे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, और इवेंचुअली ये वाले पार्ट में आपका नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, यहां पर साउथ पोल डेवलप हुआ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकला क्योंकि लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए इधर से घुस गया। अब ये सॉफ्ट आयरन जो है ये भी आपका कुछ पोलैरिटी डेवलप करता है जब भी आपके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। तो अब देखो ये अगर जैसे यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, तो यहां पे साउथ पोल डेवलप होगा, ठीक है, यहां पे साउथ पोल डेवलप हुआ और यहां से आपका अंदर मैग्नेट के अंदर से साउथ से नॉर्थ, और ये बन गया आपका नॉर्थ, और देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल भी रहा है, ठीक है। तो इवेंचुअली हुआ क्या, मैग्नेटिक फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस बिकम्स नॉर्थ पोल, दिस बिकम्स साउथ पोल, और जो आपका आयरन पीस था वो हाई परमेबिलिटी का था, तो वो क्या डेवलप किया, साउथ पोल यहां पे डेवलप किया, यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप किया, यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। तो क्या करेंगे कि ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉइंटर आपका अट्रैक्ट होगा उस तरफ, मतलब कि क्या ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये आपका ओवल शेप का आपका वो हो गया आपका मूविंग आयरन, तो ये आपका अट्रैक्ट हुआ किधर, सोलेनॉइड की तरफ, ठीक है। अब जैसे अट्रैक्ट होगा वैसे क्या होगा, आपका ये स्पिंडल हो गया, स्पिंडल से अटैच है, तो ये अट्रैक्ट हुआ, तो स्पिंडल आपका अट्रैक्ट होने गया, राइट, ये आपका स्पिंडल है, तो ये जैसे मूविंग आयरन रोटेट करेगा वैसे ही आपका स्पिंडल रोटेट करेगा, स्पिंडल के रोटेट करने से आपका पॉइंटर रोटेट करने लग जाएगा, तो इस तरीके से वर्किंग होगी, राइट। तो अब देखो ये तो बात हुई पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पर मूविंग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में क्या होता था, ये चीज आपका फिक्स रहता था, नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे ही हम देते थे तो आपका ये चीज फिक्स होता था, ये चीज उल्टा हो जाता था, तो यहां पे आपका रिपल्शन होता था, तो इवेंचुअली आपका वाइब्रेट करने लग जाता था, मतलब कि तुरंत साइकिल फोर्स आपका चेंज होता था, पर यहां पे आपका फोर्स चेंज नहीं होगा, मतलब कि क्या
टॉर्क जो रहेगा वो पूरा यूनिडायरेक्शनल रहेगा, मतलब कि ओवरऑल पूरे कंप्लीट साइकिल में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में देख रहा हूं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल रेड पेन से दिखा रहा हूं आपको मैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो करंट का डायरेक्शन यहां पे चेंज कर देता हूं मैं, करंट का डायरेक्शन यहां पे मैं चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपका करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, आई इधर से निकल रहा है, इधर से एंटर कर रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया नॉर्थ पोल और ये बन गया साउथ पोल। इधर मैं कर देता हूं डॉट्स और उधर कर लेता हूं क्रॉस, ठीक है। ये डॉट्स एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, राइट। डॉट क्रॉस हमने एकदम एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, राइट। तो पर अभी एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो इधर नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया। अब जैसे ही नॉर्थ साउथ आया, साउथ आने से इधर क्या डेवलप होगा, इधर डेवलप होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे पूरा उल्टा हो गया, ये ऐसे उल्टा हो गया, ठीक है। ये इधर से रेड पेन से दिखा रहा हूं, पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है, ठीक है, इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है, इधर से जाके एंटर कर रहा है इसमें, नॉर्थ में एंटर किया, सॉरी नॉर्थ से निकला, नॉर्थ से निकला आपका मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या डेवलप होगा, इधर अब साउथ डेवलप हो जाएगा, इधर अब साउथ डेवलप हो जाएगा, और इधर क्या डेवलप होगा, इधर डेवलप होगा नॉर्थ, ठीक है। तो अब फिर से इस सोलेनोइड के अक्रॉस आपका अट्रैक्शन होगा, और इधर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब कि पहले भी अट्रैक्शन हो रहा था, अभी भी क्या होगा, अट्रैक्शन ही हो रहा है, अभी भी अट्रैक्शन हो रहा है, पहले भी इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा था, इधर अट्रैक्शन हो रहा था, अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो भी इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। तो यही खास बात है कि मूविंग आयरन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में टॉर्क को देख रहे हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन मतलब कि क्या, अट्रैक्शन फोर्स ही लगा रहा है। इसलिए यहां पे आपका पॉइंटर या फिर मैं बोल सकता हूं ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका एसी में वर्क करेगा, ठीक है। तो मूविंग आयरन वर्क्स ऑन एसी एज वेल एज डीसी, बल्कि आपका जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल था वो एसी में वर्क नहीं कर पाता था, क्योंकि उसमें आपका परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटीज यहां पे फिक्स रहती थी, नॉर्थ है तो नॉर्थ है, साउथ है तो साउथ है, और करंट का डायरेक्शन यहां पे कॉइल में अगर चेंज होता था अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करने से तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता था, और उसके कारण आपका पॉइंटर उतने जल्दी से अपना पोजिशन को यहां से ट्रेवल नहीं कर पाता था, इसलिए वो वाइब्रेट करता था, ठीक है। तो ये चीज मैंने वहां पर समझाया हुआ है, पर यहां पर चेंज होने के बाद भी फोर्स का डायरेक्शन उधर ही रहा, तो इसलिए यहां पे अट्रैक्शन टाइप आपका मूविंग आयरन इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहां पे आपने देखा कि रिलक्टेंस के कारण और सॉफ्ट आयरन को यूज करके इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं करवाया मैंने, यहां पे कोई करंट भी फ्लो नहीं करवाया है, मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मूविंग आयरन को लेकर यहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लेकर यहां पे मैंने एक नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप करवा के अट्रैक्शन फोर्स डेवलप किया इन लोगों के बीच, और हमारा जैसे जैसे मूविंग आयरन रोटेट किया वैसे स्पिंडल रोटेट किया, स्पिंडल के साथ आपका पिवट में फिक्स होकर स्पिंडल रोटेट किया और फिर पॉइंटर रोटेट किया और हमको रीडिंग दे दिया, राइट। ये जो चीज हमने सीख लिया, अब वैसे ही आपको यहां पे क्योंकि अट्रैक्शन हुआ इसलिए इसका नाम है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। यहां पे सेकंड जो होगा हमारा वो रिपल्शन होगा। कैसे रिपल्शन होगा कि अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो सपोज करो ये दो मैग्नेट्स रख, दो आयरन पीसेस रख देता हूं, ठीक है, दो आयरन पीसेस लिया मैंने, वहां पे देखो दो आयरन पीसेस है। अब सपोज करो इस आयरन पीस को मैं फिक्स कर देता हूं, मतलब कि ऐसे पकड़ के पकड़ लिया हूं, टाइट से पकड़ लिया हूं, राइट, एकदम टाइट से पकड़ लिया हूं, फिक्स कर दिया उसको पोजिशन को, और दूसरा आयरन पीस है वो मूवेबल है, राइट। अभी दोनों क्या है, पोलैरिटी डेवलप नहीं हुआ है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन तो होगा नहीं, आयरन के पीस ही है उन लोग। पर मान लो कि इन लोगों के बीच में अक्रॉस में एक सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को रख दूं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, अभी ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों हैं, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में हैं। अगर दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हैं तो दोनों में सेम पोलैरिटी डेवलप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो सपोज करो दोनों में साउथ पोल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला तो फिक्स है भाई, तो ये क्या करेगा, ये आपका रिपल करेगा, ये आपका रिपल करने लग जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड फिर से सेम है और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो अगर दोनों में नॉर्थ पोल डेवलप होता है, नॉर्थ पोल भी डेवलप होता है दोनों में, तो भी क्या होगा, ये वाला तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि इसको तो हमने टाइट से पकड़ के रखा है, दूसरा वाला जो फ्री रहेगा वो क्या होगा, आपका
मूव करेगा, थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है सेम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण, और नॉर्थ पोल दूर जाएगा और आपका जो मूविंग पार्ट है वो आपका रिपेल करने लग जाएगा, मतलब कि भागने लग जाएगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे होने वाला है। कैसे, देखो यहां पे फिर से मैंने एसी सप्लाई लिया, ठीक है, एसी सप्लाई लिया, ये देखो एसी सप्लाई, करंट यहां से निकला, यहां से एंटर किया, यहां से निकला, यहां से एंटर किया, ये ठीक है, ये करंट आई हो गया, ठीक है, ये स्प्रिंग बोल दिया हूं मैं, ये आपके ज्वेल बेयरिंग्स है जो आपको वियर एंड टियर या फ्रिक्शन से बचाता है इंस्ट्रूमेंट को, ज्वेल बेयरिंग्स, राइट। ये आपको क्या है, पिवट है, ये आपको स्पिंडल को रोटेट करने के लिए हेल्प करता है, ये आपका स्पिंडल हो गया, यहां पे तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो रहा है, इसके बारे में हमने डिटेलिंग में बात कर लिया है, ठीक है। ये आपका अल्यूमिनियम का पॉइंटर हो गया, ये आपका स्केल नॉन लीनियर स्केल या नॉन यूनिफॉर्म स्केल हो गया, मतलब ये क्या क्रैम्ड दिख रहा है मुझे, यहां पे क्रैम्ड रेटिंग, क्रैम्ड स्केलिंग दिख रहा है, क्रैम्ड स्केलिंग, ठीक है, नॉन लीनियर एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। और यहां पे मैंने कॉइल्स ले लेता हूं, यहां पे कुछ कॉइल्स इन लोगों को रोटेट करने के, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये सोलेनॉइड ही है, जैसे यहां पे था सोलेनॉइड, यहां पे सोलेनॉइड दे दिया मैंने, मतलब कि आयरन का पीस, उसके ऊपर कॉपर वायर्स को वाउंड कर दिया है, करंट पास जैसे ही होगा वैसे ही उस सोलेनॉइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो डिपेंड करेगा किस पे, करंट की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखो, ये देखो मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा दिया है, राइट, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है आपका सोलेनॉइड के अक्रॉस, जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ना, वैसे यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हुए दिख रहा है। यहां पे मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और देखो यहां पे आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो रेड वाला दिखा रहा हूं अंदर में, वो फिक्स्ड आयरन बोल रहा हूं, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला है वो आपका मूविंग आयरन हो गया, ठीक है, फिक्स्ड आयरन और एक मूविंग आयरन। तो मान लो स्टार्टिंग में ये आपका सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के ऊपर आपने कॉपर वायर्स को वाउंड कर दिया है, करंट फ्लो हो रहा है, जैसे करंट फ्लो हुआ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पर भले वीक ही सही, पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उसके इन्फ्लुएंस में एक फिक्स्ड आयरन मैंने उसमें चिपका के एक फिक्स्ड आयरन रख दिया है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसके साथ मैंने एक मूविंग आयरन को रख दिया, दोनों फिक्स्ड और मूविंग आयरन शुरुआत में ऐसे जुड़े हुए हैं, जब साथ में जुड़े रहेंगे उन लोग सिंपल आयरन है अभी, तो आपका पॉइंटर जो रहेगा वो भी जीरो पोजीशन में रहेगा जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। जैसे करंट फ्लो नहीं हो रहा तब आपका पॉइंटर जीरो पोजीशन में रहेगा, और जैसे करंट फ्लो डेवलप हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से कारण सोलेनॉइड जैसे मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा, मूविंग आयरन और फिक्स्ड आयरन क्योंकि दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है तो दोनों एक ही पोलैरिटी डेवलप करेंगे, चाहे साउथ चाहे नॉर्थ पर दोनों एक ही डेवलप करेंगे, जैसे ही डेवलप करेंगे दोनों के बीच में आपका रिपल्शन फोर्स डेवलप होगा, और रिपल्शन होगा तो आपका जो फिक्स वाला तो रहेगा फिक्स, और मूविंग वाला आपका रोटेट करने लग जाएगा इस टाइप का, ये आपका रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसे टाइप का रोटेट करने लग जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ रिपल्शन होगा उतना अमाउंट ऑफ रिपल्शन फोर्स, जितना अमाउंट ऑफ रिपल्शन फोर्स होगा उतना आपका मूविंग आयरन दूर भागेगा मूविंग फिक्स्ड वाले पार्ट से, तो ये आपका मूविंग वाला ऐसे ऐसे करके मूव करता है, और जब ये मूव करता है मूविंग आयरन तो आपका स्पिंडल जो है, ये जो आपका स्पिंडल है वो आपका रोटेट करने लगता है, वो आपका रोटेट करने लगता है, और स्पिंडल रोटेट करने से पॉइंटर रोटेट करने लग जाता है और हमको स्केल में रीडिंग मिल जाती है, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ओवरऑल हमारा रिपल्शन फोर्स के कारण आपका पॉइंटर में रीडिंग आ गया, और यहां पे अट्रैक्शन फोर्स के कारण हमारा पॉइंटर में रीडिंग आ गया, राइट। तो ये पूरा आपका स्टोरी था किसका, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू का, वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू का, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो एसी का तो मैंने बता दिया, अगर डीसी हुआ तो फिर भी इजी है ना, डीसी में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हुआ, करंट ऐसे करके फ्लो हुआ, एक ही अट्रैक्शन, उस टाइम तो और इजी पड़ेगा ना, जब एसी में वर्क कर जा रहा है तो क्या होगा, डीसी में तो पोलैरिटी चेंज ही नहीं होगा, अगर एक बार पोलैरिटी चेंज वो हो गया फिक्स तो उतना ही आपका रहेगा, और आपका क्या होगा, मतलब कि डायरेक्ट सिंपल सा अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, यहां पे तो रिपल्शन होगा, यहां पे अट्रैक्शन होगा, पर
पोलैरिटी चेंज नहीं रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना था उतना ही रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ही नहीं, डीसी में फिक्स रहता है ऐसे करके, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हो और ऐसे ही वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपका रिपल्शन जो होगा वो भी क्या होगा, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक जो नॉर्थ नॉर्थ डेवलप हुए उन लोग क्या होंगे, रिपल करेंगे। आपका दूसरे हाफ साइकिल में करंट, दूसरे हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कॉइल्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, पर आपका जो आयरन पार्ट्स है उसमें भी पोलैरिटी सेम डेवलप होगी, पहले साउथ साउथ थी तो अब नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगी, पर रिपल्शन तो अभी भी होगा, रिपल्शन अभी भी होगा तो अभी भी आपका पॉइंटर रीडिंग दे देगा, राइट, तो वैसा हो जाएगा। डीसी में क्या होगा, डीसी में तो पूरा फिक्स है, तो उसमें तो एक ही पोलैरिटी डेवलप होगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन में आपको दिक्कत होगी नहीं। तो यहां पे क्या होगा कि आपका मूविंग आयरन जो है वो आपका डीसी एज वेल एज एसी दोनों पे वर्क करेगा। फर्स्ट पॉइंट, मूविंग आयरन वर्क्स ऑन बोथ एसी एज वेल एज डीसी। सेकेंड पॉइंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर के ऊपर वर्क करेगा। इसमें हम मूविंग कॉइल की जगह मूविंग आयरन रख रहे हैं जिसमें से हम करंट पास नहीं करेंगे। कॉइल हल्का होता है, आपका आयरन पीस थोड़ा सा भारी होगा, तो टॉर्क टू वेट रेशियो कम होगा। इसका मतलब कि क्या, इसकी एक्यूरेसी या सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू पीएमएमसी। ये सब चीज को मैं लिखाऊंगा, पर अभी मैं आपको ऐसी थोड़ा सा डिटेलिंग में बात कर रहा हूं, क्योंकि आयरन है, टॉर्क टू वेट बढ़ेगा, टॉर्क टू वेट रेशियो कम होगा, तो ये लेस सेंसिटिव है एज कंपेयर टू पीएमएमसी, ठीक है, क्योंकि ये एसी में काम करता है, एसी में काम करता है, तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस एरर देखने को मिलेगा। हिस्टेरिसिस के साथ साथ हमको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे स्प्रिंग्स यूज हो रहे हैं, टेम्परेचर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, और फ्रिक्शनल एरर तो देखने को मिलेगा ही, राइट, और क्या देखते, फ्रिक्वेंसी एरर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे एसी पे वर्क कर रही है, राइट, ये चीज हो गया। और क्या बात किया इसने, खैर अभी तो इतना ठीक है, राइट। और हाँ, ये अगर एसी पे वर्क करता है तो ये आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा, आपका एसी का आरएमएस वैल्यू ये मेजर करेगा, राइट, तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। इसको मैं अभी मैं यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अब मैं इनके एक बार इसका टॉर्क जो डेवलप हो रहा है, जिस प्रकार से इसका टॉर्क डेवलप हो रहा है उसको मैं डिराइव करूंगा अभी, और उसके बाद आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक साथ नोट करके दिखा दूंगा, राइट। तो चलो इसका टॉर्क मैं बोर्ड वाइप करता हूं और फिर मैं टॉर्क एक्सप्रेशन डिराइव करता हूं, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट। तो मूविंग आयरन का हमको बेसिक नॉलेज हो चुका है थोड़ा सा, दोनों जो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, वो दोनों के बारे में हमने वर्किंग देख लिया, दोनों का, दोनों के कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डेरिवेशन करने वाला हूं कि टॉर्क किस प्रकार डेवलप होता है, राइट, टॉर्क कैसे डेवलप होता है वो आप देखेंगे इसमें अभी, राइट। तो चलो टॉर्क को डिराइव करते हैं। तो यहां पे मैंने एक आपका सोलेनोइड ले लिया है, सोलेनोइड लिया है ये आपका, ठीक है, एक रफ स्केच बना दिया हूं मैं सोलेनोइड का, सोलेनोइड ये एन नंबर ऑफ टर्न्स समझ लो, आपका एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां पे एन टर्न्स लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, ये सप्लाई हो गया, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ले लो आप, लोअर रिलक्टेंस पाथ से होते हुए जा रहा है, ठीक है, राइट, करंट हो गया, ये हो गया पॉइंटर स्केल, और ये आपका स्प्रिंग, और ये आपका बीच में मूविंग आयरन, ये आपका मूविंग आयरन हो गया, ठीक है, ये। तो आपको अगर याद होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने ये पॉइंट बोला था कि अगर मैं किसी भी पीस के ऊपर एक एन नंबर ऑफ टर्न्स रखता हूं, मतलब कि एक n नंबर ऑफ टर्न्स को वाउंड कर दूं मैं और उसमें से करंट पास करूं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं, जो फील्ड होगा n5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, n5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ठीक है, मतलब कि यहां पे क्या हो रहा था, साई जो था आपका मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था i से, और साई क्या है, यह आपका नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया इंटू i, ठीक है, और इनको रिलेट कैसे करते थे हम, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करके, जिसको हम क्या नाम दिए थे, इंडक्टर, राइट, जिनको याद होगा इंडक्टर का कॉन्सेप्ट तो वो ये एक्सप्रेशन को याद रखे होंगे, एन फाइव इज इक्वल टू एल आई, राइट, ये चीज हमें पता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है एन फाइव इज इक्वल टू एल आई, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग शेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा डी आई डी एल बाई डी टी, ठीक है, आई डी एल बाई डी टी प्लस आपका एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, और क्या एन डी फाइव बाई डी टी, इस साइड एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, और आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो तो आपका जीरो आ जाएगा। तो मतलब कि ये इक्वेशन आएगा मेरे पास, राइट, आई डी एल बाई डी टी, पहले डीएल को एल को डिफरेंशिएट किया, आई को डिफरेंशिएट किया, दोनों को मैं समझा कि एल भी वेरिंग है, करंट भी वेरिंग है, फ्लक्स भी वेरिंग है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है भाई, ये आपका, आपको ये पता है कि E is equal to minus N d phi by dt, ठीक है, पर अगर आपको V, इसको मैं V के इक्वल कर दूं तो V is equal to N d phi by dt होता है, और ये जो V है ये अपोज करता है इस E को, इसलिए हम माइनस साइन लिखते हैं, राइट। तो यहां पे मैं इसको E, इसको मैं V के इक्वल कर देता हूं, तो मेरे पास क्या एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई डी एल बाई डी टी प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V, ठीक है। देखो ये क्या है, लेंस लॉ के कारण माइनस साइन आ रहा था, और ये ई जो था, ये पहले आपका वी आता है, वी आता है, और माइनस साइन के कारण जो लेंस लॉ होता है वो ये बोलता है कि आपका जो रिजल्ट है वो अपोज करेगा आपके कॉस को, तो वी आपका ई को अपोज करता था, इसलिए दोनों का साइन आपका अपोजिट रहता था, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, इस टाइप का अपोजिट रहता था। तो यहां पर एन डी फाइव बाई डी टी है, तो इसको मैं वी मान रहा हूं ना कि ई मान रहा हूं, राइट। तो यहां पर हमको ये किया, ठीक है, तो ये V हो गया। अब मेरे पास वोल्टेज आ गया, वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये आ गया कि V आपका, इसको मैं लिख देता हूं फिर से, V आपका इक्वल टू है आई डी एल बाई डी टी प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये ठीक है। अब वोल्टेज तो आ गया, अगर मुझे एनर्जी सप्लाइड पता लगाना है, अगर मैं लिखूं यहां पे एनर्जी सप्लाइड सप्लाइड इन डी टी सेकेंड्स, डी टी सेकेंड्स, ठीक है, डी टी मतलब कि क्या होता है, स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब कि एकदम स्मॉल टाइम में आपका कितना एनर्जी सप्लाइड हुआ है, अगर मेरे को वो मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन वन को, ये जो इक्वेशन वन ले लेता हूं यहां पे, इस इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिखता हूं मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं आई डी एल बाई डी टी प्लस एल डी आई बाई डी टी, इसको मैं होल को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको हटा देता हूँ अभी क्वेश्चन वन से, इसको मैं होल से मल्टीप्लाई करूंगा आई डी टी से। मतलब कि अगर मेरे पास वोल्टेज है और मेरे को एनर्जी निकालना है तो मेरे को करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डी टी मतलब कि क्या, वो स्मॉल चेंज इन टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी आई डी टी, करेक्ट। अब इधर देखो वी आई डी टी इधर आया, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डी एल और डी टी डी टी कैंसल प्लस एल आई डी आई, ठीक है, एल आई डी आई डी टी, डी टी डी टी फिर से कैंसल, ये चीज आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो वी आई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एल प्लस एल आई डी आई, राइट, ये चीज हमको समझ में आ गया। ये हो गया आपका, क्या बोल रहा हूं इसको मैं, एनर्जी सप्लाइड, ये जो चीज आया ये किसके इक्वल आया, इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये आपका हो गया एनर्जी सप्लाइड ओवरऑल, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एल प्लस एल आई डी आई, ठीक है, ये हो गया आपका एनर्जी सप्लाइड। इसको मैं इक्वेशन वन लेता हूं, ये आपका इक्वेशन वन हो गया, ठीक है। अब जो ये आपका एनर्जी है सप्लाइड है, ये एनर्जी सप्लाइड आपका दो चीजों में ब्रेक होगा, किन दो चीजों में, एनर्जी सप्लाई
इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड प्लस मैकेनिकल वर्क डन, इन दो चीज में, ठीक है, इन दो चीज में ब्रेक होगा। तो एनर्जी सप्लाइड तो मेरे पास आ चुका है, उसका एक क्वेश्चन, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा भाई? मान लो चेंज इन एनर्जी स्टोर मतलब कि पहले अगर आपका W1 एनर्जी स्टोर था जो कि इक्वल था हाफ एल आई स्क्वायर से, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड था, जब dt सेकंड के कारण थोड़े से टाइम फ्रेम के कारण आपका अब एनर्जी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एनर्जी, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ, इंडक्टर आपका थोड़े टाइम के कारण एल डी एल हो गया, एल प्लस डी एल, और ये आई हो गया आपका आई प्लस डी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इनिशियल एनर्जी और ये फाइनल एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी मतलब कि क्या, चेंज इन एनर्जी मतलब कि डेल ओमेगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। इसका मतलब कि क्या, अगर मैं इसको वो सॉल्व करूं तो हाफ ये क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करो इसको, एल प्लस डी एल आई प्लस ये हो गया आपका आई स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस डी आई का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आई डी आई, ठीक है, इसको होल स्क्वायर को मैं ब्रेक कर दिया सिंपल सा, तो आई स्क्वायर डी आई स्क्वायर और टू आई डी आई, राइट। अब अगर मैं सबको मल्टीप्लाई, और माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, क्योंकि इसके कारण ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, अभी भी ओमेगा टू को सिंप्लीफाई करना बचा है, तो क्या हो जाएगा हाफ, ये आ गया एल आई स्क्वायर, ये हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ एल आई स्क्वायर इधर से, और फिर इधर कर रहा हूं मैं, कितना आ रहा है हाफ आई स्क्वायर डी एल, ठीक है, आई स्क्वायर डी एल प्लस हाफ, देखो ये जो डी आई स्क्वायर आ रहा है, आई डी आई मतलब क्या होता है, स्मॉल करंट, और स्मॉल का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वेरी स्मॉल आ जाएगा, तो वेरी स्मॉल मतलब कि क्या, इसको मैं पहले से ही वेरी स्मॉल करता हूं, तो वेरी स्मॉल के कारण इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डी आई मतलब क्या, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, राइट। तो ये चीज हो गया, अब ये किससे होगा, अगर मैं इसको देख रहा हूं अभी भी, तो आई स्क्वायर डी एल और दूसरा आपका आ गया प्लस हाफ, ये आ रहा है आपका टू टू हाफ, और इधर से टू से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया एल आई डी आई, एल आई डी आई से आ गया इधर से, और इधर से फिर से हाफ और डी टू से कैंसिल हुआ, तो ये आपका आ गया प्लस एल आई डी एल डी आई, ठीक है, ये डी एल और डी आई अभी भी ये हुआ, तो अभी भी क्या है, एल भी स्मॉल है आई भी स्मॉल है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से स्मॉल हो जाएगा, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वेरी स्मॉल तो नेग्लेक्ट कर दिया इसको, तो ये चीजों को मैं नेग्लेक्ट कर दिया हूं, तो मेरे पास और अभी भी हमारा माइनस हाफ एल आई स्क्वायर बचा हुआ है ये, तो अब ये हाफ एल आई स्क्वायर इधर से और हाफ एल आई स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट होने के बाद अब मेरे पास क्या बच रहा है, अब मेरे पास बच रहा है फाइनली चेंज इन, ये हो गया हमारा चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस एल आई डी आई, ये ठीक है, ये मेरे पास आया इक्वेशन टू, ये आ गया इक्वेशन टू, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब मैकेनिकल वर्क डन अगर मेरे को निकालना है, मैकेनिकल वर्क डन निकालना है, तो इस डायग्राम को मैं हटाता हूं, इस डायग्राम का काम हो गया, तो देखो मैकेनिकल वर्क डन अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पर क्या हो गया चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड यहां पर लिख देता हूं, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड ये हम निकाले हैं अभी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, ये आपका इनिशियल एनर्जी था, फाइनल एनर्जी था, फाइनल एनर्जी क्यों, डीएल डीटी सेकंड के कारण इंडक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ, करंट थोड़ा सा चेंज हुआ, तो हम उसको निकाले हैं अभी। और मैकेनिकल वर्क डन कितना चेंज होगा वो अभी डिराइव करता हूं मैं, मैकेनिकल वर्क डन जो होगा वो होगा आपका डी डब्ल्यू के इक्वल, ठीक है, थोड़ा सा चेंज, और ये इक्वल है वर्क, क्या होता है भाई वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वर्क, फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फोर्स होगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि होगा टी डी,
और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम लिखेंगे डी थीटा। ठीक है, तो डी टी सेकेंड में वो पॉइंटर पहले यहां था तो थोड़ा सा इधर चेंज हुआ, तो उसको मैं डी थीटा बोल रहा हूं। चेंज इन डिफ्लेक्शन मतलब कि चेंज इन डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैकेनिकल वर्क डन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन थ्री, ये इक्वेशन थ्री आ गया। तो अब मैं क्या इस इक्वेशन को, इन सब जब मैं सारी वैल्यूज निकाल चुका हूं तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं क्या, तो इसमें मैं अगर वैल्यूज को पुट करूं ये इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री को, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो आई स्क्वायर, देखो यहां पे क्या करने वाला हूं, अभी मैं इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू प्लस थ्री, ये हमने अभी तक वहां पे वहां से सीखा है। तो अगर यहां पे मैं इक्वेट कर रहा हूं तो आई स्क्वायर डी एल प्लस एल आई डी आई इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस एल आई डी आई प्लस टी डी डी थीटा, ये इक्वल टू आ रहा है। तो इस केस में आपका ये आई स्क्वायर डी एल और ये आई स्क्वायर डी एल कितना होगा, हाफ आई स्क्वायर इधर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हाफ आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया हाफ आई स्क्वायर डी एल। ठीक है, और एल आई डी आई, ये एल आई डी आई और ये एल आई डी आई कैंसल आउट हो गया, तो इधर किसके इक्वल हुआ ये, दिस इंप्लाइज हाफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू डी थी डी थीटा। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो टी डी किसके इक्वल आ रहा है, टी डी आ रहा है हाफ आई स्क्वायर डी एल डी थीटा के, डी एल डी थीटा से। ठीक है, तो ये जो आया ना मेरे पास ये आ गया हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टी डी इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल डी थीटा। ठीक है, टी डी इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल डी थीटा। राइट, तो इंडक्टर जो होगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा इसलिए हम उसको डिफ्लेक्शन के थ्रू डिफ्रेंशिएट करेंगे और लास्ट में न्यूमेरिकल में हम समझेंगे कैसे इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। राइट, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट थिंग आपका क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है। स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो आपका होता है के सी थीटा के इक्वल, और आपको क्या पता है एट स्टेडी स्टेट, यहां पर मैं लिखता इसको मैं करता हूं इस तरह, ठीक है, तो आपको मैंने ये बता दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी एक्सप्रेशन तो हमने डिराइव कर लिया है, एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, और आपको स्प्रिंग कंट्रोल से पता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू के सी थीटा के इक्वल होता है, और एट स्टेडी स्टेट आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, के सी थीटा इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाय डी थीटा। राइट, और इसके कारण आपका होगा क्या कि थीटा जो आएगा लास्ट में वो होगा हाफ आई स्क्वायर बाय के सी डी एल बाय डी थीटा। ठीक है, तो ये आपका डिफ्लेक्शन भी निकल गया। डिफ्लेक्शन का अगर आपको बताना होगा कि पॉइंटर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो ये भी आपके पास आ गया थीटा। और यहां से मेरे को एक और चीज क्या दिख रहा है, यहां से एक और चीज दिख रहा है कि थीटा जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर से। इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब ये कि आपका ये स्केल जो है नॉन लीनियर है, ये नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म स्केल है इसी कारण, क्योंकि आपका थीटा जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, आई स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या हो गया नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म स्केल देखने को मिल रहा है हमको। राइट, तो इसीलिए पीएमएमसी में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में आपको लीनियर स्केल देखने को मिला, पर यहां पर आपको नॉन लीनियर स्केल देखने को मिल रहा है इस रीजन के कारण कि आपका जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर से। राइट, तो अगर मेरे को इस, ये हो गया नॉन लीनियर स्केल का कॉन्सेप्ट कि किस लिए आ रहा था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, डिफ्लेक्शन के बाद हो गया। अगर आप मेरे को बताना हो कि क्या ऐसा करें जिससे ये जो आपका जो स्केल है वो लीनियर हो जाए, तो कंडीशन फॉर लीनियरिटी भी देख सकते हैं हम लोग यहां पे, कंडीशन फॉर लीनियरिटी, इसको मैं उस साइड लिख देता हूं, ठीक है, तो कंडीशन फॉर लिनियरिटी देखते हैं हम यहां पे, कंडीशन फॉर लिनियरिटी
क्या करने से हमारा स्केल लीनियर हो जाएगा। तो उस केस में आप देख सकते हो कि अगर मैं आई को रखूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा कर दूं, ठीक है, अगर आपका आई डायरेक्ट करंट जो है आपको प्रोपोर्शनल हो जाए डिफ्लेक्शन से, और इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये है कि करंट को अगर मैं के थीटा का इक्वल रख दूं, के थीटा के इक्वल रखने से क्या होगा कि ये जो थीटा है ये आपको पता है केसी थीटा है, इधर के थीटा, और ये हो गया आपका हाई हाफ के स्क्वायर के थीटा स्क्वायर डीएल डी थीटा, ठीक है। तो ये के थीटा और ये के थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, देखो हाफ के थीटा डीएल डी थीटा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट जो है वो आपका कांस्टेंट है और ये आपका वन है, तो इसको मैं कांस्टेंट करता हूं, तो ये लिख सकता हूं कि डी डी थीटा, ये जो ये दोनों चीज कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो थीटा डीएल डी थीटा, अगर ये चीज आपका कांस्टेंट हो गया, अगर ये चीज आपका कांस्टेंट के इक्वल हो गया, तो आप लिख सकते हो कि आपका जो स्केल है वो क्या है, लीनियर है, कंडीशन फॉर लीनियरिटी, लीनियरिटी इन MI मूविंग आयरन, ठीक है। तो ये आपका मूविंग आयरन का कंडीशन फॉर लीनियरिटी है, राइट। ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला, राइट। तो यहां पे मैंने सारा चीज डिराइव करके आपको दिखाया कि कैसे आपका जो एनर्जी सप्लाइड हो रहा था वो कैसे आपका एनर्जी स्टोर्ड में, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड में प्लस मैकेनिकल वर्क डन के इक्वल हो रहा था, तो हमने डिराइव किया बकायदा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, एक बार पूरे फीचर्स को, अभी जो हमने अभी तक सीखा मूविंग आयरन में, जो फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया दो टाइप के मूविंग आयरन का, वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात किए उसके बारे में, फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन किया, कंडीशन फॉर लिनियरिटी देख लिया। तो इन चीज को मैं एक साथ फीचर्स में लिखता हूं और फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहां पे मैंने की पॉइंट्स को नोट कर दिया है, ठीक है, जो अभी भी अभी तक हमने मूविंग आयरन में डिस्कस किया वो सब की पॉइंट्स मैं यहां पे लिख दिया हूं, आइए एक एक करके उसको रिकॉल करते हैं। पहला चीज, मूविंग आयरन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, रिलक्टेंस मोटर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब कि मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करने की कोशिश करता है, राइट। और यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा यूज किया जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज किया जाता है, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड की जाती है, डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के कारण प्रोवाइड, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में एडी करंट डैम्पिंग, मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, क्यों एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसलिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्योंकि यहाँ पे आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें अगर मैं लिख सकता हूँ वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोलेनॉइड यूज कर रहे हैं हम, वीक मैग्नेटिक फील्ड कितना वीक है वो भाई, वो 0.6 मिली वीबर पर मीटर स्क्वायर से टू 0.75 मिली वीबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना वीक मैग्नेटिक फील्ड आपका है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, इसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज नहीं कर पाते और इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक है, इसका मतलब कि क्या कि इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा, है ना। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में आपका परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहा था तो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग था, तो बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो उस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट नहीं कर पा रही थी, उस इफेक्ट नहीं कर पा रही थी, उसके कारण क्या हुआ कि आपका पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, राइट। तो यहां पे आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और इसी इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, और ये इफेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इसमें होगा, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट इसमें होगा, और उससे बचने के लिए हम मूविंग आयरन में शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, वहीं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में हम शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते थे, राइट। तो यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा कि यहां पे इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखा जाएगा यहां पे, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, शील्डिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, शील्डिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि आपका ये जो मूविंग आयरन है ना, मान लो कि आपका मूविंग आयरन हो गया
और इसको हम लोग एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं शील्ड की तरह, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, तो ये आपको इफेक्ट नहीं कर पाता आपके इंस्ट्रूमेंट को मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मूविंग आयरन के ऊपर हम एक शील्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिसके कारण आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, राइट। फोर्थ पॉइंट, मूविंग आयरन जो है ये आपका एसी और डीसी दोनों में वर्क कर लेता है भाई, और एसी में ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, एसी में ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। आरएमएस वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आरएमएस वैल्यू अगर मेरे को और देखना है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर मैं यूज कर रहा हूं, मतलब कि 0 टू पाई, इसका आरएमएस हाफ वेव सिग्नल का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आईएम बाय 2, ठीक है, ये आपका आरएमएस वैल्यू हो गया इसका। और अगर इसका आरएमएस वैल्यू देखना है तो ये क्या हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू, आईएम बाय रूट 2, ये आपका आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। और यहां पे अगर ये भी होता, अगर यहां पे ऐसा भी सिग्नल बना होता, एसी सिग्नल भी होता, तो भी आपका आरएमएस वैल्यू कितना होता, तो भी आपका आरएमएस वैल्यू आईएम बाय रूट 2 होता, इसमें आईएम बाय 2 होता, तो ये आपके आईएम बाय 2 ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। अगर आपका सिग्नल करंट जो है आईटी जो है आई नॉट प्लस आई वन साइन ओमेगा 1t आई टू साइन ओमेगा 2t है, तो आई आरएमएस कितना होगा आपका, इस चीज को ये मेजर करके दिखाएगा ऐसे। वही इसी करंट को जब हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से पास कर रहे थे, तो वो सिर्फ आपका एवरेज वैल्यू को मेजर कर रहा था, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आपका आई एवरेज को मेजर कर रहा था, जो कि आपका आई नॉट के इक्वल आ रहा था, पर ये आपका आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा जो आपका उसके इक्वल आएगा, राइट। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा भाई इसके इक्वल आया, ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया, ये फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा इसके इक्वल आया, स्प्रिंग कंट्रोल के कारण हम यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या हुआ, केसी थीटा के इक्वल हुआ, तो डिफ्लेक्शन आपका इसके इक्वल आया। और यहां से हमको पता चला कि इसका जो स्केल है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, इसलिए इसका स्केल नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और अगर मेरे को बात करना हो कंडीशन फॉर लीनियरिटी, अभी अगर नॉन लीनियर स्केल है तो उसको अगर लीनियर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डीएल डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट के इक्वल हुआ अगर, अगर थीटा डीएल, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, यह आपका हो जाएगा थीटा डीएल, डीएल डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, यह आपका होगा कंडीशन फॉर लिनियरिटी, ठीक है। कंडीशन फॉर लिनियरिटी क्या है, थीटा डीएल डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर लिनियरिटी, ये हो गया। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक आयरन पीस को, जैसे हमने देखा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन में एक ओवल शेप्ड मूविंग आयरन को यूज कर रहे थे, तो उसके कारण वो क्या हुआ कि वेट ज्यादा है आयरन का, टॉर्क टू वेट रेशियो कम हुआ, टॉर्क टू वेट रेशियो कम होने के कारण एक्यूरेसी कम हुआ, सेंसिटिविटी कम हुआ, एरर थोड़ा सा ज्यादा होगा, और यहां पे फ्रिक्शनल एरर देखने को मिलेगा हमारा वेट ज्यादा होने के कारण, ठीक है। और आपका पीएमएमसी में फ्रिक्शनल एरर ना के बराबर था, पर यहां पे आपको फ्रिक्शनल एरर देखने को मिलेगा। हिस्टेरेसिस एरर होगा, हिस्टेरेसिस एरर क्यों होगा, क्योंकि यहां पे आपका मूविंग आयरन एसी पे वर्क करता है, एसी में वर्क करता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट एसी पे वर्क करता है उसमें हमको हिस्टेरेसिस एरर देखने को मिलता है। हिस्टेरेसिस एरर होता क्या है एक्चुअल में, हिस्टेरेसिस एरर वो एरर होता है या वो लॉसेस होता है जिसमें हम हमारी जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक डाइपोल को रिवर्सल में यूसेज हो जाती है। मतलब कि आपका ये देखो, अगर आपका पहले डाइपोल इस डायरेक्शन में था, ये मैग्नेटिक डाइपोल इस डायरेक्शन में था, तो बाद में फिर इस डायरेक्शन में हो गया, तो हर हाफ साइकिल में एसी सप्लाई के हर हाफ साइकिल में जो आपका डाइपोल रिवर्सल हो रहा है, ये जो डाइपोल का रिवर्सल हो रहा है उसमें जो एनर्जी वेस्टेज हो रहा है उसके कारण आपको हिस्टेरेसिस एरर देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर में आपने ये बहुत अच्छी चीज तरीके से पढ़ा होगा कि डाइपोल के रिवर्सल में जो एनर्जी वेस्टेज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस एरर देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी एरर बहुत होगा, क्यों होगा इसमें फ्रीक्वेंसी एरर, क्योंकि देखो ये जब एसी में यूज किया जा रहा है तो एसी में यूज करने से इसमें डीसी, देखो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में जब डीसी में वर्क कर रहा था वो, तो वहां पे इंडक्टर जो कॉइल का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था, क्योंकि स्टेडी स्टेट में बात कर रहे थे हम। पर यहां पे आपका एसी में, एसी के केस में आपका इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यहां पे कुछ ना कुछ इंडक्टर होगा, इंडक्टेंस होगा कॉइल का,
उसके कारण इंडक्टेंस क्या है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। जो आपका रिएक्टेंस बनेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट होगा, तो आपको थोड़ा सा एरर देखने को मिल सकता है फ्रीक्वेंसी के कारण, राइट। और इसीलिए ना मूविंग आयरन को आप 125 हर्ट्ज के ऊपर, 125 किलो हर्ट्ज के ऊपर आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं, क्योंकि ना वहां पे आपका हिस्टेरेसिस एरर बढ़ जाता है। हिस्टेरेसिस एरर भी तो आपको फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो हिस्टेरेसिस एरर बढ़ जाएगा, एडी करंट आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जो मूविंग आयरन होता है उसको हम निकल और आयरन के अलॉय से बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन जो होता है वो हमारा निकल और आयरन के अलॉय से बनता है, और हम इसको ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं करते क्योंकि हमारा हिस्टेरेसिस एरर और जो एडी करंट एरर है वो बढ़ जाता है, राइट। तो इस चीज के कारण यहां पर फ्रीक्वेंसी एरर भी होगा, ठीक है, ये चीज। तो ये आपके की पॉइंट्स हुए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। तो ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था मूविंग आयरन का। इसके ऊपर हम एक्सटेंशन ऑफ रेंज के ऊपर बात करेंगे इसमें, ठीक है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपको आइडिया हो गया होगा मूविंग आयरन के पूरा डिटेलिंग में, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर कर दी है, राइट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए best books और test series का link मैंने description में दे दिया है, और अगर आप हमारा Telegram channel join करना चाहते हैं तो उसका link भी मैंने description में और first comment में दे दिया है। तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए have a good day. See ya.